अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त सैयद मुर्तज़ा अली हुसैनी एमए करंट टीवी न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है। यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला चल रहा है। नतायज का रुझान लम्हा ब लम्हा बदल रहा है। इब्तदा में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बढ़तरी हासिल की थी और रियासत की 90 सीटों में से 63 सीटों पर आगे थी, जबकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 23 सीटों तक महदूद थी। ताहम कुछ देर बाद हैरत अंगेज तौर पर बीजेपी ने ताकत पकड़ ली। मौजूदा रुझान के मुताबिक बीजेपी 46 सीटों पर क़यादत बरकरार रखे हुए है, जबकि कांग्रेस 38 सीटों पर आगे है। INLD 3 सीटों पर, जबकि दीगर उम्मीदवार भी 3 सीटों पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी का यहां खाता ना खोलना काबिले जिक्र है। मौरना हलके में भारतीय स्टार रेसलर और कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश भुगाट की क़यादत कर रहे हैं। लुधवा में चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी की क़यादत में आगे बढ़ रहे हैं। इस माह की 5 तारीख को एक ही मरहले में होने वाले इंतखाबात में 67.9% वोटिंग हुई। हुकूमत कायम करने के लिए जादुई नंबर 46 तक पहुंचना होगा। कल 1031 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं अख्तिताम वज़ीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।